अतीक अहमद खान को AIMIM ने मानखुर्द शिवाजी नगर से चुनावी जंग में उतारा। अंतिम सवाल यह है, एक आम मानस की बात अगर की जाए और टीवी चैनलों के माध्यम से या अखबारों के माध्यम से यह दिखाया जा रहा है कि मानखुर्द शिवाजी नगर में बिल्कुल दो दिग्गज आपस में लड़ रहे हैं, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? कहीं ऐसा ना हो कि दो दिग्गजों के बीच में कोई तीसरा जीत जाता है तो कहीं वो सौभाग्यशाली आप ना हो। वो सौभाग्यशाली अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ, और आप देख रहे हैं टीवी के अंदर हमेशा दो दिग्गजों की बात होती है। यही वही मीडिया जिन्होंने प्रमोशन चलाया था 3 महीना पहले लोकसभा इलेक्शन से कि अब की बार 400 पार और उसके हालात क्या हुए, तो यहाँ गोवंडी मानखुर्द असेंबली में भी यही होने जा रहा है कि लोग जो हैं दो दिग्गजों को दिखा रहे हैं, लेकिन उस दो दिग्गजों के बीच में MIM पार्टी और मैं गोवंडी का अपना लोकल टीचर लोकल बच्चा जो है जीत कर निकल जाऊँगा इंशाल्लाह। मुंबई के मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा से AIMIM ने युवा प्रत्याशी अतीक अहमद खान को चुनावी मैदान में उतारा। अतीक अहमद खान का सामाजिक रिकॉर्ड रहा है, बहुमुखी प्रतिभा के धनी होने के नाते असदुद्दीन ओवैसी ने उन्हें अपनी AIMIM पार्टी से टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा। मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा चुनाव पर अगर प्रकाश डालें तो ऐसा महसूस हो रहा है कि दो दिग्गजों की लड़ाई में तीसरा बाजी न मार ले जाए। देखिए ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट। देश की राजनीति की बात करें तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी जो कि सांसद हैं, आज वो जनक कहलाते हैं AIMIM पार्टी के। हर जगह देखा जाए, कई राज्यों में देखा जाए, धीरे धीरे जो फैलाव जो कहा जा सकता है विस्तार रूप ले रहा है AIMIM, वहीं आज महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में अगर गौर किया जाए तो कई जगहों पर सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है। आज ये मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा का इलाका है जहां के प्रत्याशी अतीक अहमद खान जो कि चुनावी जंग में उतरे हैं। आइए हम जानते हैं क्या कुछ कहना है इनका। साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा सिटी न्यूज़ में, और काफ़ी आपको देख के तो ये लगता है कि युवा नेतृत्व कहा जाए तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं, क्या कहना चाहेंगे आप? आपका बहुत धन्यवाद कि आप युवा नेतृत्व को कवर करने के लिए आए। देखिए बदलता भारत है, बदलते भारत की तस्वीर है, तो नेतृत्व भी बदल जाना चाहिए। जिस तरह से युवाओं ने अपना मोबाइल बदला है, नोकिया 3310 एक मॉडल हुआ करता था, उसके बाद एक स्मार्टफोन आया, तो नोकिया 3310 जो लीडर्स हैं हमारे, जो पुराने नेतृत्व कर रहे हैं, जो पुराने ख्यालात हैं, उनको बदल कर नए और स्मार्ट फ़ोन की तरह नए और स्मार्ट लीडर्स को, एक्टिव लीडर्स को लाने की ज़रूरत है इस देश के अंदर और इस विधानसभा के अंदर ख़ास तौर से। अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है इस अल्प आयु में आप चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा का, और इससे पहले लगातार देखा जाता है एक रिकॉर्ड रहता है कि आदमी सोशली वर्क में हो या सोशल वर्क में हो या राजनीतिक वर्क में हो तो वो चुनाव लड़ता है तो कुछ समझ में आता है, लेकिन आपके कौन कौन से कार्य रहे हैं पहले? देखिए 2010 से मैं यहाँ पर सोशली बहुत एक्टिव हूँ। जैसे मैं आपको 2014 में हमने यहाँ पर UPSC और MPSC के बच्चों के लिए फ्री कोचिंग स्टार्ट की थी, और 2011 से हम यहाँ पर बच्चों के लिए SSC HSC के बच्चों को, जिनके वालिद नहीं है, फादर नहीं होते हैं, ऐसे बच्चों को अडॉप्ट कर हम फ्री कोचिंग देने का काम करते थे। जब लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के अंदर लोगों को राशन की बहुत तकलीफ हुई, हमने तकरीबन 8,500 किट राशन यहाँ के लोगों को बांटा। इसके अलावा जो राशन की दुकानें हैं, जहाँ पर राशन की दुकानों पर मेरी माँ बहनों के राशन कार्ड को फेंक दिया जाता था और अपनी मर्ज़ी से राशन दिया जाता था, जो उनका कोटा है वो ना देकर, और उनको बेइज्जत किया जाता था, तो उनके कोटे का पूरा राशन दिलाने का और साथ ही साथ मेरी माँ और बहनों को उस राशन की दुकान पर इज्जत दिलाने का काम मैंने किया है। उसके बाद हमने लाइब्रेरी, एक शिवाजी नगर मानखुर्द असेंबली के अंदर एक लाइब्रेरी, एक ही लाइब्रेरी है, वो लड़कर अबू हाशिम आज़मी से हमने चालू करवाया था। उसके अलावा स्कूल्स के इशूज़ पर, इलीगल स्कूल्स जो हैं उसके इशूज़ पर हम लड़ते आए हैं, हॉस्पिटल के इशूज़ पर लड़ते आए हैं, SMS कंपनी के ऊपर हम लोगों ने ही जो है बॉम्बे हाई कोर्ट में केस पिटीशन फाइल किया था, कब्रिस्तान के इशूज़ पर, कब्रिस्तान के मिट्टी के घोटाले के इशूज़ पर हम लड़ते हुए आए हैं, रोड एक्सीडेंट्स रमलर से लेकर सिग्नल तक हम लड़ते हुए आए हैं, डंपिंग ग्राउंड के लिए हमने लड़ाई की। उसके अलावा जल्द ही अभी आचार्य कॉलेज के अंदर जब बच्चियों का हिजाब उतारा गया तो उस लड़ाई में
भी बच्चियां हमारे पास आई थी और हम उस लड़ाई में भी उनका साथ दिए थे। तो जो भी छोटे मोटे काम हैं यहाँ के लोगों के, हम उनके साथ खड़े होकर उनका काम करने की कोशिश करते हैं। और 2011 से लेकर 2024 तक हमने जो लड़ाई जनता की लड़ी, उसमें हम सहभागी समझते थे कि ये पॉलिटिशियंस हमारे सहभागी हैं, अबू हाशिम आज़मी हो या दूसरे पॉलिटिशियंस हमारे सहभागी हैं, लेकिन उन्हें हमें कोई भी कोऑपरेशन नहीं किया, जिस वजह से ये आज हमें इलेक्शन लड़ने की ज़रूरत पड़ी और इलेक्शन लड़ रहे हैं। बहुत ही काबिले तारीफ कार्य रहे हैं जैसा कि आपने कहा है। हमें आप ये बताएं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी से कब से जुड़े हैं आप? असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी में मैं जुड़ा 2022 में। 2022 में मानकुर शिवाजीनगर असेंबली का मुझे तालुका प्रेसिडेंट बनाया गया और तब से मैं जुड़ा हुआ हूँ। आज आप मानकुर शिवाजीनगर का नेतृत्व करने जा रहे हैं, हो सकता है भावी आमदार भी बने आप, तो क्या क्या मुद्दे हैं आपके? हमारे मुद्दे यहाँ पर सबसे बड़ा जो मुद्दा है नशे का है। अगर आप इस मैदान के अंदर शाम में आ जाएंगे, रात में, तो हर कॉर्नर पे बैठकर कोई गांजा और चिट्टी पीते नज़र आएगा, शराब पीते लोग नज़र आएंगे। गोवंडी मानखुर्द असेंबली का एक सबसे बड़ा मुद्दा नशा है, जिसको हम 60 दिन के भीतर, हमारे पास पूरा प्लान बना हुआ है, 60 दिन के भीतर नशे को हम 50% से भी नीचे गिरा देंगे और उसके बाद धीरे धीरे नशा जो है विद इन वन ईयर पूरे नशा बेचने वालों को जेल की सलाखों के पीछे भेज देंगे, और जो बच्चे नशा कर रहे हैं उनको हम नशा मुक्ति केंद्र में भेजने की कोशिश करेंगे। दूसरा हमारा बड़ा मुद्दा है, यहाँ पर कॉलेज नहीं है, डिग्री कॉलेज के लिए अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने मुझे कल बुलाया और उन्होंने बोला कि ज़मीन देखना शुरू कर दो। इसका मतलब ये है कि डिग्री कॉलेज यहाँ पर खुलने जा रहा है। तीसरा हमारा मुद्दा है कि यहाँ पर ब्लास्फेमी, जो हम मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, उनके हुजूर की जो है शान में, हमारे हुजूर की शान में जो गुस्ताखियाँ होती है, उसके ऊपर बिल प्रेजेंट करने जा रहे हैं। स्वास्थ्य हमारा मुद्दा है, एजुकेशन हमारा मुद्दा है, और मानकुर शिवाजी नगर असेंबली के अंदर जो 39 इयर्स 39 साल के अंदर युवा अपना दम तोड़ रहा है, इस उम्र को बढ़ाकर हमें 67, जो कि पूरे महाराष्ट्र और मुंबई के अंदर है, उस लेवल पर लाने की हमारी लड़ाई है। इसी मुद्दे पर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। बात अगर करें तो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र रहा है ये शिवाजी नगर, मानखुर्द शिवाजी नगर का इलाका, और किस तरीके का प्रतिसाद मिल रहा है आपको मुस्लिमों के साथ साथ हिंदुओं का? देखिए, हिंदुओं का भी बहुत मुझे प्रतिसाद मिल रहा है, क्योंकि मैंने जो काम किया संविधान सिखाने का काम किया, मैंने जो काम बताया है लोगों को, मेरा काम ये है कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, अगर संविधान कहता है, आर्टिकल 15 कहता है कि सारे लोग एक बराबर हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब के हों, किसी भी कैटेगरी के हों, किसी भी कास्ट के हों, सारे लोग एक बराबर हैं, तो मैंने वही जो संविधानिक बातें हैं शिवाजी नगर असेंबली के अंदर मैंने फैलाई हैं, तो सारे लोग आ रहे हैं। और कल आपने देखा कि हमने किसी को एक रुपये नहीं दिया और ज़्यादा हमने प्रमोशन भी नहीं किया, और अंबेडकर मैदान जो है 22 से 25 हज़ार लोगों का जो यहाँ पर मजमा जमा हो गया बिना प्रमोशन के, तो ये प्रतिसाद ही दिख रहा है कि शिवाजी नगर और मानखुर्द असेंबली के लोग कितने तंग आ गए हैं अबू हाशिम आज़मी से, और कितने लोगों को नवाब मलिक खरीद नहीं पा रहे हैं, जो ईमानदार लोग थे कल इस मैदान के अंदर नज़र आए, ऐसे बहुत सारे ईमानदार लोग जो है नहीं नज़र आए थे, लेकिन कल शाम 4 बजे क्लॉक टावर बैगनवाड़ी नया डेपो के पास जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब आ रहे हैं, वहाँ पर आकर आप सर्वे कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि लोग कितने उत्साहित हैं कि यहाँ पर MIM लड़ रही है और यहाँ पर उनका लोकल कैंडिडेट, उनका लोकल बच्चा और स्टूडेंट्स का टीचर यहाँ पर लड़ाई कर रहा है। देखा, ये आतिक अहमद खान थे जो कि AIMM पार्टी से चुनावी मैदान में उतरे हैं मानखुर्द शिवाजी नगर से। काफ़ी एक अच्छा रिकॉर्ड रहा है, जैसा कि इन्होंने बताया अभी कि उन्होंने शिक्षण कार्य भी किए हैं और लोगों को सुधारने का भी कार्य किया है। हालांकि ये कहा जा सकता है कि दो दिग्गजों की लड़ाई में कहीं न कहीं एक आशा की किरण अगर उभर सकती है तो अतीक अहमद खान के नाम की उभर सकती है। मैं मुकेश शाही, हमारा सिटी न्यूज़, मुंबई।